सब्सक्राइब कीजिए टेक विद केपी को, साथ ही दबाए पास में बने बेल आइकॉन को ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे और कोई भी वीडियो आपसे मिस न हो। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि ठीक होंगे और आप सभी के बीच हाजिर हूं चिंगारी एप्लीकेशन के पार्ट टू लेकर, जिसे बताएंगे हमारे अर्जुन भाई कि किस तरह से चिंगारी का गारी। जी हाँ, आज के इस वीडियो में गारी टोकन के बारे में हमारे अर्जुन जी बताएंगे कि इसका यूज़ क्या है, गारी की डेफिनेशन पूरी आज के इस वीडियो में देंगे। तो जिन्होंने इसका पहला पार्ट यानी चिंगारी का पहला पार्ट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और जिनको पहले ही ये वीडियो मिल चुकी है तो उन्होंने इसका पूरा पहला पार्ट देखा होगा, तो वो समझ सकते हैं कि चिंगारी के क्या क्या फीचर हैं और इसकी पूरी सीरीज़ में हम इसके बारे में बात करेंगे। हाँ, अगर आपको ग्रुप में जुड़ना है या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो अबाउट सेक्शन में जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं, ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन और ये चिंगारी के वीडियो का दूसरा पार्ट है, और आज हम जानेंगे कुछ बातें चिंगारी के बारे में। और जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था गारी माइनिंग क्या होती है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, ऐसे बताया था। तो आज हम जानेंगे गारी माइनिंग के बारे में। गारी माइनिंग, पहले गारी के बारे में जानते हैं। गारी एक टोकन का नाम है, यानी ये क्रिप्टो करेंसी के क्वाइन का नाम है। जैसे हमारे इंडियन जो ऐसे पैसे होते हैं ना, जैसे रुपया वगैरह, तो ऐसे ही एक क्रिप्टो करेंसी होती है। क्रिप्टो करेंसी मतलब एकदम आसान भाषा में आपको बताता हूँ, ज़्यादा जानने की मतलब यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले से ही बताया कि चिंगारी एप्लीकेशन में आपको अर्निंग करने के लिए, पैसा कमाने के लिए क्रिप्टो करेंसी की ज़ीरो नॉलेज भी काफ़ी है। अगर आपके पास कोई नॉलेज नहीं है क्रिप्टो करेंसी की, तब भी आप चिंगारी से अर्निंग कर सकते हैं और वो बैंक में ले सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए क्रिप्टो करेंसी कैसे बनती है, इसलिए मैं आपको जो है बताना चाहता हूँ। क्रिप्टो करेंसी वो होती है जो हम इंटरनेट पर एक्टिविटी करते हैं उससे कुछ मनी जनरेट होता है, मतलब कुछ क्वाइन जनरेट होता है, उसको क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। वैसे मतलब जितना मुझे पता है, आप इंटरनेट पे जो एक्टिविटी करते हो, जैसे कि अगर मान लीजिए चिंगारी की बात लीजिए, आप उसमें अगर ऑडियो रूम में किसी से बात करते हैं या कोई वीडियो प्ले करते हैं और वीडियो पे कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे कि लाइक कमेंट शेयर सॉरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब होने के कारण बीच में खांसी आ रही है। तो ये जो है क्रिप्टो करेंसी ऐसे बनती इंटरनेट पे, जो इंटरनेट से जनरेट होती है, एप्लीकेशन पे जो हम जो भी एक्टिविटी करते हैं तो उससे जनरेट होती है। तो वो ये जो क्रिप्टो करेंसी है ये ऑटो माइन नहीं होती, मतलब ऑटो जनरेटेड नहीं है, इसको जनरेट करना पड़ता है हमें किस तरह जनरेट करना पड़ता है, हम दूसरों के वीडियो को प्ले करेंगे, उसको मतलब पूरा प्ले करेंगे, उसके बाद उसे लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे। और शेयर करने के लिए आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप फेसबुक पे शेयर करें, व्हाट्सएप पे शेयर करें, शेयर करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको सिर्फ शेयर में जाना है और कॉपी लिंक को क्लिक करना है, यानी आपका आप जो वीडियो देख रहे हैं या प्ले कर रहे हैं उसका लिंक कॉपी हो जाएगा और वो शेयर में काउंट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे अर्निंग ऐसी होती है, जैसे आप दूसरे के वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते हैं उससे अर्निंग होती है, या आपने कोई वीडियो डाले हैं और उस पर अगर दूसरों ने अगर आपके वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट किया तो उससे भी अर्निंग आपको हो जाती है। मतलब दोनों तरफ से आपको अर्निंग जो है होती है, मतलब
सिर्फ यूजर बनकर आप यहाँ पे कमाने के बजाय, मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे क्रिएटर बने। कोई आप में टैलेंट है तो उसका वीडियो निकाले और हर रोज़ आपको मिनिमम 5 वीडियो यहाँ पे डालने हैं। 5 वीडियो पे जितना भी आपको ट्रैफिक होगा, जितने व्यूज़ आएंगे, जितने लाइक शेयर कमेंट आएंगे, उस पर आपकी अर्निंग जो है काउंट होगी। तो ये हो गई बात गारी माइनिंग की। माइनिंग मतलब जो है हमें उस पर एक्टिविटी करना है एप्लीकेशन में, तो वो कंट्रीब्यूशन स्कोर अपना बढ़ता रहता है, तो वो उसके हिसाब से कितने आपको गारी टोकन मिलेंगे वो भी यहाँ पे दिखता रहता है। तो ये मैंने गारी माइनिंग लीडर बोर्ड अभी ओपन किया है, जो आपको दिख रहा है, जिनके नाम दिख रहे हैं उसके आगे उन्होंने कितना कमाया है लाइव, ये दिख रहा है, मतलब अभी कितनी कमाई उनकी चल रही है। और एक गारी टोकन की यहाँ पे कीमत है 5 रुपये, जो कि बढ़ती घटती रहती है। क्रिप्टो करेंसी में जो होता है वो दाम घटता बढ़ता रहता है, जैसे कि शेयर मार्केट में होता है। शेयर मार्केट के बारे में अगर आप जानते हो, जैसा मार्केट होगा वैसे घटता रहेगा और बढ़ता रहेगा। तो अभी 5 रुपये के आसपास ये है इसका दाम। तो आप जब बेचेंगे इसको, यानी विड्रॉल करेंगे, तो 5 रुपये के हिसाब से आपको जो है मिलेगा। अगर आपके पास 10 टोकन्स हैं तो उसके आपको 50 रुपये मिलेंगे 10 टोकन के। तो आप दिन में कितने टोकन्स कमाने हैं आपको, ये आप निर्धारित कर सकते हैं। इसमें टोकन कमाने के भी बहुत सारे वेज हैं, मतलब बहुत सारे रास्ते हैं। जैसे मैंने आपको लाइक शेयर कमेंट का एक रास्ता मैंने आपको बता दिया। आप यहाँ पे लोगों को जोड़ के नेटवर्क बना के भी अर्निंग कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ नेटवर्क बना के ही अर्निंग होगी, आप खुद से भी अर्निंग बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने नेटवर्क का इसलिए बताया, नेटवर्क अगर आपने बढ़ाया तो बहुत ज़्यादा आपको अर्निंग जो है होने वाली है, दुगनी, मतलब जितना आप चाहे उतनी अर्निंग आपको होगी अगर नेटवर्क आप बढ़ाएंगे तो। नेटवर्क बढ़ाना मतलब क्या है, ये मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा कि नेटवर्क कैसे बढ़ाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया। और यहाँ पे क्विज चलते रहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑडियो रूम्स होते हैं यहाँ पे, तो ऑडियो रूम्स में आपको क्विज का ऑडियो रूम भी आपको देखने को मिलेगा। मतलब हर एक घंटे के बाद यहाँ पे क्विज चलता रहता है, और उसमें अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो उसमें भी चांसेस होते हैं कि आप गारी टोकन जीतें। जिनकी उंगलियाँ तेज़ होती है, यानी जो फास्ट क्लिक करेगा सही ऑप्शन पे, मतलब एक क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन होते हैं, एक 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 के बाद एक लिए जाते हैं, तो क्वेश्चन के 4 मतलब ऑप्शंस होते हैं, तो उसमें आपको सही ऑप्शंस को क्लिक करना है और सबमिट करना है, तो वो वहाँ पे चलता रहता है। और ये मुझे कुछ एक्सेसिबल नहीं लगा, मैं ये खेलता नहीं हूँ, मैंने आपकी जानकारी के लिए बताया। तो यहाँ पे कभी कभी फर्स्ट आने वाले को 50 गारी टोकन्स मिलते हैं, ठीक है, तो कभी 30 गारी टोकन्स मिलते हैं, तो उसके आप उसको आप इमिडिएटली विड्रॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो विड्रॉल कैसे आपको करना है, विड्रॉल करने के लिए क्या करना पड़ता है, ये भी मैं आपको थर्ड पार्ट में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए। और यहाँ पे सबसे पहले आपको एक मतलब चीज़ ध्यान में रखनी है, अगर आपने यहाँ पे अकाउंट बनाया उसके बाद अगर आपको अर्निंग करनी है तो आपको जो है KYC करना मैंडेटरी है। आपको KYC करना पड़ेगा तभी आपकी अर्निंग जो है शुरू हो जाएगी, तभी आपका जो है काउंटिंग शुरू हो जाएगा। तो आप KYC कीजिए, उसके बाद जो है आपकी अर्निंग शुरू हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थर्ड पार्ट में हम बात करेंगे कि यहाँ पे किस तरह अर्निंग होती है और कितने चांसेस है आपको अर्निंग करने के लिए, और नए अपडेट के बारे में बात करेंगे। और मैंने आपको एक ही टोकन के बारे में अभी बताया जिसका नाम गारी टोकन है, इसमें और एक टोकन अभी आ गया है, उसका नाम भी बताऊंगा और वो कब तक लॉन्च, मतलब वो कब तक आपको विड्रॉल करने को मिलेगा वो भी बताऊंगा। मतलब कुल मिला के यहाँ पे बहुत सारे पैसे आप अर्न करने वाले हो अगर ये एप्लीकेशन आप ठीक से यूज़ करते हैं, या जितना आप वक्त दे पाते हैं उस हिसाब से आपको पैसा यहाँ पे अर्न करने को मिलेगा। तो यहाँ पे मेन मोटिव ये भी है कि आप यहाँ पे टैलेंट अपना शो करके भी
बहुत ज़्यादा पैसा यहाँ पे अर्न कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे गिफ्टिंग का ऑप्शन है। अगर आपका आपका टैलेंट लोगों को पसंद आ गया तो आपको गिफ्टिंग होगी, मतलब वो आपको गिफ्ट करेंगे और उसको आप टोकन में विड्रॉल कर मतलब रिडीम कर पाएंगे, और 40-50 टोकन होने के बाद जो है आप बैंक में उसको विड्रॉल कर सकते हैं। तो इसके आगे की बातें हम अगले वीडियो में जानेंगे। ये वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल रहा होगा, अगर इस वीडियो से आपने कुछ सीखा है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें, और दूसरों को भी इस एप्लीकेशन के बारे में बताइए, ठीक है? तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। Street lights.